आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसी खामोश कयादत की जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन मामलात में आपको एक बेबाकी से जवाब देने वाला आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंशाल्लाह गुलबर्गा का इतिहास जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। पुलिस तो 5 साल पहले जो गलती हुई है, 5 साल सेकुलर ध्यान रखने वाले हमारे हिंदू भाई, हमारे गरीब भाई, हमारे दलित भाई, हमारे मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस करते आए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। मुझे अपने ताल्लुक से कुछ ज्यादा वक्त नहीं लेना है, क्योंकि सियासी हालात पर जिस अंदाज में हमारे पार्टी के ऑल इंडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने आपके बीच में बात रखी है, मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस प्रोग्राम में तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कांग्रेस को छोड़ करके आज पहली बार हमारे स्टेज पे आए हैं। मैं उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार ज्यादा कहना चाहता हूं। असगर चुलबुल साहब जो 2 टाइम GDA चेयरमैन थे, आज पहली बार मैं समझता हूं कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरी प्लेटफॉर्म पे आए हैं। गुरमीत सिंह साहब आए यहां पर आए हैं, आरिफ खान साहब एक बड़े बिजनेसमैन वो यहां पर आए हैं, जहीर खान साहब आए हैं, हमारी बहन फातिमा शेख साहब आए यहां पर आए हैं, हबीब खान साहब जो एक्स कॉर्पोरेटर वो यहां पर आए हैं। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि गुलबर्गा शहर के इस इंतखाबात के अहमियत को समझते हुए, इस इलेक्शन को सिर्फ इलेक्शन ना समझते हुए, ये एक सियासी इंकलाब को समझकर गुलबर्गा शहर के अंदर जो बातें हो रही हैं कि सीट को बचाना है, सीट को बचाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज बड़े खुशी के साथ बड़े शान के साथ ये कहना पड़ता है कि सीट को अगर बचाना है तो जनता दल सेक्युलर को आपको साथ देना होगा। दूसरी जमात में वो दमखम नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है, वो मॉरलिटी नहीं है कि वो दावा कर सके कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। आज भारतीय जनता पार्टी उनके सबसे मजबूत लीडर को आगे किए हैं। आज हम देखे हैं कि उनकी तकारीर किस नोयत की है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कमजोर ना पड़े, हमको आपको एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो इस फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मजबूती से जवाब दे सके। कोई कहता है कि वो छोटा मोदी बनेगा, कोई कहता है कि गुलबर्गा शहर पाकिस्तान बन जाता। यह जहरीला जहन रखने वाला जिसकी नीयत में खोट है पर तू यहां मुस्लिम चौक पर आता है और जो है हमारे भाइयों से वोट मांगने की बात करता है, ब्रिजों की बात करता है, रोडों की बात करता है। सवाल पूछिए उससे कि हमारी मरकजी मस्जिदों के बाहर रात के 2 बजे नाचता है, किन गानों पे नाचता है, खून से रंग देंगे इस धरती को, किस धरती को रंग देगा? शरण बसरेश्वर शरण बसप्पा अप्पा की धरती को, खाजा बंजनवाज के सुराज रहमतुल्लाह अलैह की धरती को तू रंगने की बात करता है। तुझे इक्तदार से रोकना हमारा हमारा फर्ज है, तुझे रोक कर ही बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। गुलबर्गा शहर का इतिहास किसी का मोहताज नहीं है। गुलबर्गा की आवाज आज से नहीं बल्कि कई सदियों से गुलबर्गा शहर के सेक्युलर वोटर्स अपने इतिहास का मुजाहरा करते आए हैं। हमें फखर है इस मिट्टी पर, यह मिट्टी सेकुलरिज्म को तकवीत देने वाली मिट्टी है, यह मिट्टी सेकुलरिज्म को तकवीत देने वाली मिट्टी है। आज हम सबको एक होना है, हम सबको एक होकर के कांग्रेस का जहन रखने वाले जितने भी वोटर्स हैं, मैं उनसे अपील करता हूं पुलिस तो 5 साल पहले जो गलती हुई है, 5 साल सेकुलर ध्यान रखने वाले हमारे हिंदू भाई, हमारे गरीब भाई, हमारे दलित भाई, हमारे मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस करते आए हैं, कमजोर महसूस करते आए हैं। जब NRC का मामला होता है एक लफ्ज बात नहीं होती, अलंग के अंदर गिरफ्तारियां होती है एक लफ्ज बात नहीं होती, असेंबली के अंदर बात होती है एक लफ्ज बात नहीं करते, अजान का मामला एक लफ्ज बात नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ऐसी खामोश कयादत की जरूरत है?
आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज आज आपका भाई मुसलसिल 3 महीने से फिर रहा है, आपके हर हर दुकान तक पहुंच चुका है, आपसे गुजारिश किया है, आपके वायदे की भी हिम्मत पर आज उम्मीदवार बनने के लिए आया हो। मैं उम्मीद करता हूं गुलबर्गा शहर के इस इंतखाबात को अपनी जातियत बना ले। ये इलेक्शन मिल्लत की इज्जत का इलेक्शन है, ये इलेक्शन आने वाले नौजवान नस्लों की शान का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में हमको आपको मजबूती के साथ मुकाबला करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग जितने भी यहां पर मौजूद हैं अपने आप को नासिरुद्दीन उस्ताद समझेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, हाथ उठा के बोलिए आप उम्मीदवार हैं कि नहीं है। इंशाल्लाह गुलबर्गा का इत्तेहाद जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। मैं फिर एक बार उबैदुल्लाह खान आजमी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए बात करता हूं।